भाजपे गुजरात અને છત્તીસગઢ બાદ ફરી એકવાર સરપ્રાઈઝ આપતા મધ્યપ્રદેશમાં મોહન યાદવને નવા મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા છે। મુખ્યમંત્રી પદ માટે તેમના એલાને સૌને ચોંકાવી દીધા, પરંતુ તેનાથી પણ સૌથી ચોંકાવનારી વાત રહી મુખ્યમંત્રી પદ સુધી પહોંચવાની તેમની સફર। મોહન યાદવને મુખ્યમંત્રી બનાવવાની ઘોષણા પહેલા અને ભાજપની જીત બાદ भाजप कार्यालय में नवनिर्वाचित धारासभ्यों नु फोटो सेशन थयु हतु। आ फोटो सेशन में मोहन यादव पाछड़ कतार में बैठेला नजरे पड़ा हता। संभवित रूप थी कदाच कोई ने अंदाज पण नहीं होय के मोहन यादव ने पार्टी आटली मोटी जवाबदारी सौंपशे। अने आ रीते जोईए तो फोटो सेशन में त्रीजी कतार में बैठेला मोहन यादवे सीएम पद सुधी पहोंचवानी रेस में बधाने पाछड़ छोड़ी दीधा। रिपोर्ट मुजब मध्य प्रदेश ना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद माटे खुद मोहन यादव ना नाम नो प्रस्ताव हाई कमांड समक्ष राख्यो हतो। तेना बाद धारासभ्य दल नी बैठक मा मोहन यादव ना नाम पर मोहर लागी। परिचय नी बात करिए तो मोहन यादव उज्जैन दक्षिण बैठक थी धारासभ्य छे अने तेओ संघ ना निकट ना पण मानवामां आवे छे। शिवराज सिंह सरकार मा तेओ उच्च शिक्षा मंत्री ना पद पर हता। 2013 માં તેઓ પહેલીવાર ધારાસભ્ય બન્યા હતા અને 2018 માં બીજી વાર ઉજ્જૈન દક્ષિણ સીટથી ચૂંટણી જીતી હતી। 2020 માં શિવરાજ સરકાર ફરી બનતા જુલાઈમાં તેમને કેબિનેટમાં સ્થાન મળ્યું અને કેબિનેટમાં મંત્રીના રૂપમાં શપથ લેતા રાજનીતિમાં તેમનું કદ વધ્યું। जनता पार्टी का ये तंत्र ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सब की ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वी डी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता 8 करोड़ से ऊपर जनता है उन सबके विश्वास में भारतीय जनता पार्टी ने जो क्या प्राथमिकता रहेगी सर आपकी, निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। मोहन यादव ना मुख्यमंत्री बन्या बाद मध्य प्रदेश नो केटलो विकास थशे तेनो जवाब तो समय ज आपशे, परंतु जे प्रकार नो माहोल छे ते मुजब भाजपे आ निर्णय थी लोकोने चकित जरूर कर्या छे। ब्यूरो रिपोर्ट गुजरात तक।